वोटर आईडी कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करने के लिए या अपडेट करने के लिए आपको वोटर पोर्टल पर आना होगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें आपको एक अकाउंट क्रिएट करना होगा। इसके लिए आप क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे। इसमें आप एक ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। आपके नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। ओटीपी यहां डालकर वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। जो भी आप पासवर्ड रखना चाहते हैं वो आप यहां टाइप करेंगे। इसके बाद नीचे दोबारा से टाइप करेंगे कंफर्म करने के लिए। इसके बाद आप ये मैथ सॉल्व करेंगे और टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे। क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे। आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। वेलकम। इसमें आपको अपना नेम डालना है। स्टेट चूज करेंगे, जेंडर चूज करेंगे। इसके बाद सबमिट। आपका अकाउंट क्रिएट हो गया है। अपने वोटर आईडी कार्ड से रिलेटेड किसी भी काम के लिए आप इसमें लॉग इन करके यहीं से अपना काम करा सकते हैं। जैसे कि अगर आपको एक नए वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई करना है तो आप यहीं से अप्लाई कर सकते हैं। अपने वोटर आईडी कार्ड में करेक्शन के लिए आप यहीं से करेक्शन करा सकते हैं। अपना वोटर आईडी कार्ड यहीं से डिलीट करा सकते हैं। अपने वोटर आईडी कार्ड में आधार कार्ड भी यहीं से लिंक करा सकते हैं। अब जैसे कि हमें अपने वोटर आईडी कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक या अपडेट कराना है तो हम इसमें करेक्शन वाले पोर्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद लेट्स स्टार्ट। अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नंबर नहीं है तो आप पहला ऑप्शन चूज करेंगे, और अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नंबर है तो आप सेकंड ऑप्शन चूज करेंगे। इसके बाद आपको अपना वोटर आईडी कार्ड नंबर डालकर फेच डिटेल्स पर क्लिक करना है। आपकी डिटेल्स रिकॉर्ड में पाई गई है। इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। आपके सामने आपकी वोटर आईडी कार्ड डिटेल्स आ जाएगी। आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसमें आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे कि आप अपने वोटर आईडी कार्ड में क्या कराना चाहते हैं। जैसे कि हमें करेक्शन कराना है तो हम सेकंड ऑप्शन यहां सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। इसमें आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो ओटीपी डालेंगे। इसके बाद आपको सेलेक्ट करना होगा कि आप अपने वोटर आईडी कार्ड में क्या करेक्शन कराना चाहते हैं। एक बार में आप चार करेक्शन करा सकते हैं। जैसे कि अगर आपको अपने वोटर आईडी कार्ड में नेम, जेंडर, फोटो, एड्रेस करेक्ट कराना है तो आप ये सभी एक बार में करा सकते हैं। जो भी आपको करेक्शन कराने हैं वो आप यहां सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि हमें सिर्फ मोबाइल नंबर करेक्ट कराना है तो हम यहां मोबाइल नंबर पर क्लिक करेंगे। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, और अगर आपके पास आधार नंबर है तो आप पहला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको अपना आधार कार्ड नंबर यहां पर डाल देना है। जो मोबाइल नंबर आप अपने वोटर आईडी कार्ड में रखना चाहते हैं वो नीचे आ जाएगा। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। इसमें यहां पर आपको प्लेस का नेम डालना है। आप अपने गांव, कस्बे या शहर का नेम डाल देंगे। नीचे आपको एप्लीकेंट नेम डाल देना है। इसमें आप अपना नेम डाल देंगे। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। आपके सामने कंप्लीट एप्लीकेशन आ जाएगी। एक बार आप सही तरीके से चेक करेंगे। इसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी और साथ ही एक रेफरेंस आईडी जनरेट हो जाएगी। इस रेफरेंस आईडी को आप कॉपी कर लेंगे। इससे आप बाद में अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। इसके बाद 15 डेज के अंदर अंदर आपके वोटर आईडी कार्ड में नया मोबाइल नंबर अपडेट कर दिया जाएगा और आप अपने वोटर आईडी कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आपने मोबाइल नंबर के साथ कोई और करेक्शन भी अप्लाई किया है तो वो भी आपके वोटर आईडी कार्ड में अपडेट हो जाएगा। इसके बाद अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करने के लिए आप इसी पोर्टल पर आएंगे, अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन करेंगे। इसमें आप 3 डॉट पर क्लिक करेंगे। इसमें आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ट्रैक स्टेटस, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसमें आप अपनी रेफरेंस आईडी डालकर ट्रैक यूअर स्टेटस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी एप्लीकेशन का स्टेटस आ जाएगा। जैसे ही आपके वोटर आईडी कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट हो जाएगा तो आप nvsp.in पोर्टल से अपने वोटर आईडी कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। सो इस तरह से आप अपने वोटर आईडी कार्ड में मोबाइल नंबर या कोई भी करेक्शन करा सकते हैं।